हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो है वो इस तरह का स्वेटर का डिज़ाइन निकाल रही हूँ निटिंग मशीन में। तो चलिए बनाना सीखते हैं कि इस तरह का डिज़ाइन जो है वो सिंपल निटिंग मशीन में कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला। सबसे पहले हम इसको बनाएंगे। इसके लिए हमें जो है वो 3-1-3-1 का गैप करना है। तो पहले गैप कर लेते हैं, बट इससे हम 3-1 का गैप करेंगे। ये इस तरह से हम एक सुई आगे करेंगे, 3 पीछे, 1 सुई आगे, 3 पीछे, 1 सुई आगे। इस तरह से हम पूरा कर लेंगे इसको। ये इस तरह से हमारी ये सुइयां आगे हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, कैरिज में जो ये इस तरफ ये दिया हुआ है, इसको हम पीछे कर लेंगे इसको, और इस तरफ से भी हम जो है वो पीछे कर लेंगे इसको। दोनों तरफ से हम इसको इस तरह से पीछे कर लेंगे। अब एक रो जो है वो चलाएंगे इस तरह से, कैरिज को चलाएंगे हम। वाइट कलर की हमने एक रो चला दी है, रेड कलर से ये वाला डिज़ाइन बनाना है। तो इसको हम जो है वो धागा पकड़ के इस तरह से रेड कलर का ये बना देंगे। इस तरह से हम पूरा हाथ से बनाते जाएंगे इस तरह से। ये हो गया है हमारी फर्स्ट रो, ये वाला डिज़ाइन। अब हम करेंगे ये ऊपर वाला, 3 जो हमने दिख रहे हैं वो वाला करेंगे। इसके लिए हमें फिर 3-1 का गैप करना है। इसको हम आगे ही रहने देंगे। ये जो हमने पहले नीडल आगे किया था, इसके साथ वाली जो 2 नीडल्स हैं उनको आगे कर देंगे। इसके साथ वाली जो 2 नीडल है उसको आगे करेंगे, इसके साथ वाली 2 नीडल आगे करेंगे इस तरह से। फिर ये 3-1 का गैप हो जाएगा, 3 हमारी आगे होंगी और 3 हमारी पीछे होंगी। इसके साथ वाली 3 नीडल आगे, इसके साथ वाली इस तरह से 2 नीडल आगे, इस तरह से इसके साथ वाली 2 नीडल आगे, इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। ये हमने कर ली है पूरी। अब क्या हुआ है, 3 नीडल हमारी आगे हैं और 1 पीछे है, 3 आगे हैं, 1 पीछे है, इस तरह से। अब हम फिर जो है वो कैरिज चलाएंगे वाइट थ्रेड से। ये हमारी वाइट थ्रेड से रो हो गई है। अब हम जो है वो ये रेड वाला धागा जो है इससे इसको आगे से, इन ये जो 3-3 है इसको हम रेड वाले धागे से इस तरह से बुनाई कर लेंगे हाथ से, इस तरह ऐसे। इस तरह जो है वो हम इन सबको पूरा कंप्लीट करेंगे इस तरह। मैं इस रो को इस तरह कंप्लीट कर लेती हूँ। ये कर दिया हमने कंप्लीट। अब हम ये हमारा हो गया। अब हम इससे ऊपर वाला डिज़ाइन बनाएंगे, ये वाला। ये 3-1-3-1 का गैप है, इसमें हम सेंटर वाली नीडल आगे रहने देंगे और इसकी दोनों साथ वाली पीछे कर देंगे। सेंटर वाली नीडल आगे रहेगी और ये पीछे, इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। सेंटर वाली नीडल आगे रहेगी इस तरह से, और इसके साथ वाली जो 2 नीडल हैं उसको हम पीछे कर देंगे। ये हमारी इस तरह से आ गई है। 1 नीडल जो है वो हमारी आगे रहेगी और बाकी पीछे रहेंगी इस तरह से, 1-1 नीडल्स आगे रहेंगी। अब हम एक वाइट धागे से इस तरह रो चला लेंगे। ये हो गई, और इसमें जो है वो हम रेड कलर से इसी तरह से फिर से हम पूरा डिज़ाइन बना देंगे। इसी तरह हम रेड कलर से बनाते जाएंगे। ये हमने कर ली है रेड कलर से भी कंप्लीट। अब हमारा जो है वो ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। इसकी तरफ चलते हैं। अब हम सभी नीडल्स को पीछे कर लेंगे, सभी नीडल्स पीछे करके 2 रो जो है वो हम वाइट कलर की चला लेंगे। एक सभी नीडल्स पीछे रहेंगी, एक रो हो गई है, 2। ये हमने 2 रोज जो है वो वाइट की चला ली। अब हम ये वाला डिज़ाइन शुरू करेंगे। इसके लिए क्या करना है, इसमें हमारा है, इसमें भी हमारा 3-1 का गैप रहेगा। सबसे पहले जो हमने ये वाला एक सेंटर लिया था उसी को हम ऊपर 1 आगे करेंगे, तो इसमें भी हम 3-1 का गैप करेंगे, 3 सिलाइयाँ आगे करेंगे, 3 और 1, तो 1 सिलाई करेंगे आगे और 3 रहेंगी पीछे, इस तरह से। ये
ये वाला डिज़ाइन चल रहा है, इसमें भी तीन एक का गैप है, एक सिलाई आगे और तीन पीछे। इसी तरह से फिर जैसे हमने नीचे बनाया था फिर वैसे ही बना लेंगे। एक रो जो है वो वाइट कलर की चलाएंगे इस तरह से, ये हमने वाइट चला दी है। और ये जो नीडल्स आगे है, ओ यहाँ थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। ये जो नीडल्स आगे हैं हमारी, ये जो हमारी नीडल्स आगे हैं इसको हम रेड कलर से बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसको रेड कलर से बनाते जाएंगे। ये हमने कर दी है रेड धागे से ये वाली रो कंप्लीट। अब हम करेंगे इससे ऊपर वाली रो। ये एक हमारी हो गई है ये वाली। अब इस ऊपर वाली रो में क्या है हमारा, एक एक का गैप है, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, इस तरह से हमारा जो है वो एक एक का गैप है। तो हमें क्या करना है, जो सेंटर वाली ये नीडल है जो हमने रेड कलर से बनाई है पहली नीडल, उसको हम पीछे कर देंगे और उसके साथ वाली दो नीडल्स आगे कर देंगे इस तरह से। ये वाली नीडल पीछे हो जाएगी और उसके साथ वाली दो आगे हो जाएंगी। ये वाली सेंटर की पीछे हो जाएंगी नीडल्स और इसके साथ वाली दो नीडल्स जो है वो आगे हो जाएगी। इस तरह से हमारा एक एक का गैप आ जाएगा पूरे में। ये हमने नीडल्स आगे कर ली हैं, इसमें हमारा एक एक नीडल आगे एक पीछे, एक नीडल आगे, इस तरह से होगी इस तरह से। जो रेड वाली हमने पहले बनाई थी वो पीछे रहेगी और उसके साथ वाली दो नीडल्स आगे रहेंगी। इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक रोल वाइट की लगा लेते हैं, वाइट हो गई है। इसके बाद हम इन नीडल्स को जो है वो रेड धागे से इस तरह से पूरा कंप्लीट कर देंगे, ये इस तरह से। ये हमने कर ली है कंप्लीट। अब इसके बाद चलेगा हमारा नेक्स्ट, ये हमारा हो गया, ये हो गया। अब हम थर्ड रो में आएंगे, एक दो तीन, थर्ड वाले डिज़ाइन में आएंगे। इसमें हमने क्या करना है, तीन एक तीन एक तीन एक का गैप करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो हमारी दो नीडल्स आगे हैं इनको करेंगे पीछे और इसके इसको करेंगे हम आगे। अब तीन नीडल्स पीछे रहेंगी, ये जो हमने दो नीडल्स बनाई थी इसको पीछे कर देंगे और साथ वाली नीडल आगे आएगी, तो हमारा तीन एक का गैप आ जाएगा इस तरह से। ये सारी नीडल्स हम कर देंगे पीछे। ये जो हमने नीडल आगे एक सेंटर पॉइंट ले लिया हमने, और इसी के आगे चलते हुए हम तीन नीडल्स आगे कर देंगे। तीन नीडल पीछे रहेंगी, एक आगे आएगी, ये इस तरह से। इस तरह से एक एक हमारी आगे है और इसके बीच में तीन जो है वो पीछे है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये एक हमने वाइट चला दी और अब हम जो है वो इसको रेड वाले से कंप्लीट करेंगे। ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। जब भी आप डिज़ाइन बनाते हैं तो आप इस तरफ से जो है वो ध्यान रखना, अपना पूरे डिज़ाइन का इस तरफ से आपको ध्यान रखना है ग्राफ का, ताकि आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल बराबर चलता रहे। अब हमने बनाना है ये वाला डिज़ाइन, ये जो है वो हम इसको शुरू करेंगे। इसमें क्या है, तीन और एक का गैप है, एक फिर तीन वाइट, फिर एक फिर तीन वाइट, फिर एक फिर तीन एक वाइट। तो अब हम क्या करेंगे, ये दो नीडल जो है इन दो नीडल को करेंगे पीछे। यहाँ से हम शुरू करेंगे डिज़ाइन, तो हमारे को पूरा याद रहेगा डिज़ाइन। ये दो नीडल को हमने पीछे कर दिया और इसके सेंटर का जो नीडल है वो आगे निकाल दिया। ये दो नीडल पीछे कर दी और सेंटर में जो नीडल आ रहा है एक नीडल आगे कर दिया। ये दो हमारा डिज़ाइन इस तरह चल रहा है, ये दो हमारी नीडल पीछे हो गई और सेंटर में जो नीडल है इस तरह से ये आगे आ जाएगी। और यहाँ पे हम एक तीन एक का गैप कंप्लीट करेंगे। ये हमारा हो गया एक, तीन सिलाइयाँ पीछे, एक आगे तीन पीछे, इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। अब इसको करती हूँ मैं इस तरह से, और ये हमारा एक और एक हमने ले लिया। इसके बाद हम तीन और एक का गैप करेंगे, ये इस तरह से ये आ गया और इस तरह से ये आ गया। ये हमारा एक तीन पीछे, एक आगे तीन पीछे, इस तरह से आ जाएगा। इसको अब एक रो चला लेते हैं वाइट, ये हो गई है। और अब एक जो है वो हम इसको रेड वाले धागे से बना लेंगे, इस तरह से कंप्लीट करेंगे। हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे,
अब हमारा आएगा ये वाला रो, तीन तीन हमारे रेड रहेंगे, एक वाइट, तीन रेड एक वाइट, तो इसके साथ वाले दो जो है वो आगे करेंगे और एक पीछे रहेगी, इसके इस निडल के साथ वाली दो निडल आगे आएंगी, इस तरह से हम पूरा कर लेंगे। ली है तीन हमारी निडल्स आगे हैं और एक पीछे है, इसको फिर हम उसी तरह बना लेंगे, ये कर दिया है, और इसको जो है वो हम रेड वाले धागे से कंप्लीट कर देंगे पूरा। जो निडल्स हमारी आगे हैं उनको हम इसी तरह हाथ से रेड वाले धागे से बनाते जाएंगे। वाइट धागा कैरिज में लगा हुआ है और रेड वाला जो है वो मैं हाथ से बनाते जा रही हूँ इस तरह से। हमने रेड धागे से कंप्लीट कर लिया है, अब ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है तीन वाला, अब हम ये वाला बनाएंगे, एक रेड तीन वाइट, एक रेड और तीन वाइट। करना क्या है, सेंटर वाली नीडल जो है वो आगे रहेगी और साथ वाली दो नीडल पीछे जाएंगी, इस तरह से सेंटर वाली नीडल आगे रहेगी और सेंटर वाली नीडल आगे रहेगी और साथ वाली दो नीडल पीछे कर देंगे। हो गया है हमारा इस तरह कंप्लीट, एक निडल हमारी आगे रहेगी, तीन हमारी पीछे रहेंगी, इस तरह से हम इसको बना लेंगे। एक निडल आगे है और तीन पीछे हैं, एक जो निडल आगे है उसको हम रेड कलर से इस तरह हाथ से बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। ठीक जी, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया, अब हमारा ये वाला जो डिज़ाइन था ये हो गया कंप्लीट। अब हमारी ये वाली चलेंगी रोज़, इस तरह से जो है ये हमारी चलेंगी। करना क्या है, तीन का गैप है एक नीचे है, तीन का गैप है एक नीचे है, करना क्या है, जो ये हमारी सेंटर नीडल है ना, इसको हम करेंगे पीछे, सेंटर नीडल को पीछे कर दिया, साथ की जो तीन नीडल्स हैं वो हमारी पीछे रहेंगी, उसके सेंटर नीडल के साथ की तीन उससे आगे वाली हमारी आगे होगी, ये सेंटर नीडल पीछे हो गई, इसको हमने तीन काउंट करके एक आगे कर दिया, सेंटर नीडल पीछे, सेंटर नीडल के दो साथ वाली पीछे रहेंगी और उससे आगे वाली जो है वो आगे होगी, इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे। ये हमारी एक तीन इस तरह का गैप है, इस तरह से देख सकते हैं आप, हमारा इस तरह से कर दिया है हमने, इसको हम बना लेते हैं। ये वाइट धागे से बना लिया और इसको हम रेड के साथ इस तरह कंप्लीट करेंगे। ये वाला डिज़ाइन हमारा हो गया है, ये जो है ये वाला हमारा हो गया, उसके बाद हम ये वाले रो चलेंगे सेकंड, इसमें हम एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट, इस तरह से है, तो इसको हम करेंगे पीछे और इसके साथ वाली जो दो निडल है वो जाएंगी आगे, इसको हमने पीछे कर दिया और इसके साथ वाली जो दो निडल हैं वो आगे आ जाएंगी, इसी तरह हम पूरा कर लेंगे इसको। अब फिर हम उसी को फिर उसी तरह बना लेंगे। ये बना लिया है और इसको हम रेड कलर से कंप्लीट कर लेंगे। ये वाला डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है, अब हम आ गए हैं यहाँ पे, एक तीन एक तीन इस तरह से गैप है इसमें, एक रेड तीन वाइट, एक रेड तीन वाइट। करना क्या है, इन दो निडल को पीछे करेंगे, ये दो निडल हमने पीछे करी जो आगे थी, एक दो तीन निडल पीछे हो गई और साथ वाली एक निडल जो है वो आगे कर देंगे इस तरह से। ये दो निडल पीछे करी, इसको पीछे किया, इसके साथ वाली निडल आगे, इसको पीछे किया, ये आगे, तीन एक का गैप हो जाएगा हमारा, तीन एक का गैप हो गया है, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने वाइट रो चला दी और इसके बाद हम रेड वाली से इसको बना देंगे इस तरह पूरा। वाला भी कंप्लीट हो गया है, इसके बाद ये डिज़ाइन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, अब दो रो जो है वो हम वाइट की चलाएंगे, सभी सिलाइयां पीछे कर देंगे, सभी सिलाइयां इस तरह रहेंगी पीछे और दो जो है वो हम वाइट से चला लेंगे, हमारी दो रो वाइट हो गई है। अब इसके बाद हम फिर ये वाला डिज़ाइन चलाएंगे, हमने इसी का सेंटर निकालते हुए यहाँ पहुँचना है, तीन रो हमारी पीछे और एक आगे इस तरह से, तीन हमारी पीछे रहेंगी एक आगे रहेगी, इसको इस तरह बनाएंगे, फिर इसको हम इसी तरह बनाते हुए पूरा कंप्लीट करते हैं। अब इसके साथ वाली दो निडल्स आगे करेंगे, इसके साथ वाली दो निडल्स आगे करेंगे, इस तरह से पूरा कंप्लीट करेंगे, हमारे तीन रो आगे एक पीछे, इस तरह से फिर कंप्लीट करके
फिर हम ये वाला डिज़ाइन जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर पूरा ये वाला डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर लिया है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ इसलिए मैंने ये डिज़ाइन फिर से नहीं बताया। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद दो रो जो है वो वाइट की चलेंगी, रो हमारी वाइट की चल गई है ये वाली। अब ये जो है वो हमारे दो रेड वाले हैं, तीन वाइट एक रेड, तीन वाइट एक रेड, इस तरह से गैप करके इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तीन पीछे रहेंगे एक हमारा आगे, तीन पीछे एक आगे, इस तरह से हम इस डिज़ाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर मैं आपको पूरा डिज़ाइन बताती हूँ। ये हमने डिज़ाइन पूरा कर लिया है और ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हमारा जो है वो कुछ डिज़ाइन तैयार होके रेडी हो गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर चैनल को ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी जो है वो बहुत सारी वीडियोज़ मेरी मिलती रहे। थैंक यू।